अरे ये क्या है भैया जी? वो ग्लूकोज पी रहे थे ना, तो थोड़ा पानी गिर गया इसलिए चिकट चिकट हो गया, और कुछ नहीं। वैसे भैया जी कोई विशेष काम धाना हुआ? नहीं, सुने के शहर से कोई आया है जी, तो सोचा अपना परिचय देते हुए चलें। वैसे तुम जानते होगे हमारे बारे में? हाँ भैया जी, सुना है हमने आपके बारे में, सुना है। अच्छा, अंग्रेजी कैसी है तुम्हारी? अंग्रेजी भैया जी ठीक ही ठाक है भैया जी। ठीक सोचे थे, शहर से आए हो, अंग्रेजी तो आती ही होगी। ओ का है ना कि हमारा अंग्रेजी में यहाँ थोड़ा तंग है। अच्छा अच्छा, तो थोड़ी हेल्प चाहिए थी। हाँ भैया जी बिल्कुल, भरपूर हेल्प मिलेगी भैया जी। अच्छा ठीक है, तो हमको एक दो काम है तो हम चलते हैं, मिलेंगे। जरूर भैया जी, जरूर जरूर जरूर। लेकिन एक बात है। क्या भैया जी? शहर से कोई गलत इरादा लेकर तो गांव में नहीं आया ना? नहीं भैया जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया जी। वो कहा है ना, कईयों को हमने देखा है, शहर के कुत्ते गांव में मुंह मारने आते हैं, और ऐसे कुत्तों का इलाज है हमारे पास जी। भैया जी इलाज समझे? हाँ भैया जी समझ रहे हैं, भैया जी समझ गए इलाज। वैसे तो मुझे लौंडा शरीफ लग गया जी। भैया जी ठीक है जी, चलते हैं हम जी। भैया जी मीट यू नेक्स्ट टाइम, अच्छा लगा तुमसे मिलकर जी। हमें भी अच्छा लगा भैया जी। ठीक है, जरूर जरूर जी, चलते हैं जी। भैया जी नमस्ते। साला आया था यहाँ गांव में मजा मारने, सोचा एक महीने मस्ती करूंगा मजा मारूंगा, यहाँ तो लोग साले मेरी मजा ले रहे हैं, सब बर्बाद हो गया इसकी ऐसी की तैसी। अरे ये साला सांड कहाँ जा रहा है, देखू तू जरा। अच्छा बेटा, तो ये माजरा है। अब समझा कि डिल्लू इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था। खैर अब हम आ गए हैं ना, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ मेरी सुरुचि, तुझ में ही है मेरी रुचि। चीनी चाहिए? नहीं। दूध? नहीं। चाय पत्ती? ना चीनी ना चाय पत्ती ना दूध, मुझे ठाकुर साहब से काम था इसलिए आया हूँ अभी जी। वो अभी तो घर पे नहीं है। ठीक है, मैं उनका वेट कर लेता हूँ जी। मैंने उनको अभी कॉल किया था, वो आधे घंटे में आते ही होंगे। ओ आधे में ही आ जाएंगे? आधे तक, मेरा मतलब वो अपने किसी खास दोस्त से मिले गए ना। हाँ अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उनका वेट करता हूँ, जब तक आप मुझे एक जबरदस्त चाय बनाकर पिला दीजिए जी। ठीक है ठीक है ठीक है जी।
जी आप गए नहीं? नहीं मैं एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है तो मैं वो काम निपटा लेता हूँ। मैं उनसे बाद में आकर मिलूंगा, ठीक है? जी ठीक है। थैंक यू, मैं चलता हूँ, बाय। अजीब आदमी है यार भगवान। पता था मुझे कि तुम आने वाले हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ मैं कुछ नहीं चाहता। नजर रखना ना तुम मुझ पर। ओह तुम्हें पता चल गया। तुम पागल पागल हो क्या? तुम मुझसे 3 साल छोटे हो। क्यों कर रहे हो? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम शादीशुदा हो और मुझे ये भी पता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा पति तुम्हें वो खुशी नहीं देता जो एक औरत को मिलनी चाहिए। तुम पागल पागल हो गए हो? कुछ भी बकवास करोगे। कुछ भी नहीं बक रहा हूँ मैं। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा पति गे है। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने देखा उसे दूसरे मर्द के साथ रंगलेलिया मनाते हुए। तो तुम अब क्या चाहते हो? देखो यार ये चूहे बिल्ली का खेल जो है ना अब खत्म करते हैं। मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करता हूँ, तुम मेरी जरूरत पूरी करो। मैं समझती थी कि मेरा पति एक नंबर का घटिया इंसान है, झूठ बोलता है अपनी झूठी शान छुपाने के लिए, पर तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा। निकल जाओ, मेरा हाथ उठ जाएगा। सुनो, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ लिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो जो हुआ वो हुआ, ठीक है? मैं तुम्हें माफ कर दिया है। अब एक काम करो, चुपचाप घर के अंदर चलो। तुम्हें घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथ चाय पी लो। ठीक है ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। रुक जाओ। देखो गलती मान ली तो मान ली ना, तुम्हें घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने तुम्हें जितना बुरा इंसान समझा था तुम उतने भी बुरे नहीं हो। नहीं वैसे तुमने सही कहा था, जानवर हूं मैं, पर सच्चाई ये है कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। देखो घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, रात गई बात गई। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वैसे ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? बात कुछ और है। वो तुम्हारी आंखें, मुझे डर लगता कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। प्यार हो जाए तो हो जाने दो, जगा लो अरमान।